नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास टेंथ की हिंदी। क्लास टेंथ की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 4, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई कविता है आत्मकथ्य। तो कविता हम पढ़ चुके हैं आत्मकथ्य, और हमने देखा इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी ने जीवन के यथार्थ और जीवन में जो अभाव है उनको यहाँ पर चित्रित किया है। और वो कहते हैं कि मैं आत्मकथा क्यों लिखूं, क्यों लिखूं मैं आत्मकथा, अपना मजाक क्यों बनवाऊं मैं इस संसार से, क्योंकि मेरी आत्मकथा इतनी भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी इस छोटी सी जीवन की मैं बड़ी बड़ी गाथाएं कैसे लिख दूं? मेरा छोटा सा साधारण सा जीवन है और इसकी बड़ी बड़ी गाथाएं मैं कैसे लिख दूं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है। इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और साथ ही इसमें जो भी कठिन शब्द आए हुए हैं उन कठिन शब्दों को आप नोट डाउन करोगे, और होमवर्क आपका आज का होगा कि आप इसका भावार्थ लिख कर लाने का प्रयास करेंगे। भावार्थ लिख कर लाएंगे सभी बच्चे, होमवर्क मैं पहले दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप घर पर एक बार कविता को रिवाइज करें, खुद से भावार्थ लिखने की कोशिश करें। जहां पर नहीं समझ में आता, देखिए ये कोई आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है, ये आपको होमवर्क है कि आप पढ़ें। आपको जहां नहीं समझ में आता है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कोई समस्या है, तो आप डायरेक्टली क्लास में हैंड रेज करके या चैट के माध्यम से या सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके आप हमें अपनी समस्याएं, अपने डाउट्स बता सकते हैं। तो होमवर्क आपको मिल चुका है कि आपने इस कविता का भावार्थ लिखना है, और हम पाठ से जुड़े हुए शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आज यहाँ पर करते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक बार कविता को हम रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं दोबारा से, उसके बाद हम इसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं उन कठिन शब्दों को हम लिखेंगे। अगर कठिन शब्दों के अर्थ आपको समझ में आ जाते हैं, कठिन शब्द अगर आपको समझ में आ जाते हैं, तो आपके लिए भावार्थ लिखना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा सरल हो जाता है। मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। मधु अर्थ का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था भंवरा, मधुप का अर्थ मैंने आप लोग को बताया था भंवरा। और देखिए यहाँ पर भंवरे की बात तो हो रही है, लेकिन किस तरह का भंवरा, किस तरह का भंवरा? मन रूपी भंवरा, यहाँ पर मन रूपी भंवरे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मन रूपी भंवरे की बात हो रही है, ठीक है। गुनगुनाकर कह जाता कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा, अनंत अर्थात जिसका कोई अंत ना हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो। मैं असंख्य, असंख्य अर्थात बहुत सारे, असंख्य अर्थात बहुत सारे, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। व्यंग मलिन, व्यंग अर्थात खराब निंदा या मजाक, मलिन अर्थात खराब, मलिन अर्थात खराब ढंग से, ठीक है। व्यंग का अर्थ होता है मजाक या उपहास, जैसे कि यहाँ पे व्यंग मलिन उपहास, व्यंग मलिन उपहास अर्थात खराब ढंग से निंदा करना, खराब
ढंग से निंदा करना, व्यंग मलिन उपहास, खराब ढंग से निंदा करना। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, दुर्बलता अर्थात अपनी कमजोरी, दुर्बलता अर्थात कमजोरी। नोट डाउन करेंगे सभी इन शब्दों के अर्थों को, दुर्बलता अर्थात कमजोरी। कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, अर्थात जो मेरी कमजोरियां हैं मैं उन्हें कह डालूं, फिर भी तुम कहते हो कि मैं अपनी कमजोरियों को कह डालूं, सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति अर्थात खाली घड़ा, गागर रीति का अर्थ होता है खाली घड़ा। और इस पाठ के आधार पर भावहीन मन, भावहीन मन, यहाँ पर मन को गागर की संज्ञा दी है। तो खाली घड़ा, गागर रीति अर्थात भावहीन मन, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे, दोनों अर्थ लिखेंगे, खाली घड़ा और भावहीन मन। आगे रीति, रीति का अर्थ होता है खाली। अपने को समझो मेरा रस, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही हो खाली करने वाले। अपने को समझो मेरे, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरि सरल ते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। देखिए, यह विडंबना, विडंबना अर्थात एक असमंजस कह सकते हैं, या यह छलावा कह सकते हैं, ठीक है। यह विडंबना, तो विडंबना अर्थात असमंजस, असमंजस, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, विडंबना बनी हुई है। अरि सरलते, सरलते अर्थात सरलता से, सरलते अर्थात सरलता से, सरलता से। तेरी हंसी उड़ाऊं मैं अपनी, भूले अपनी या प्रवंचना, प्रवंचना अर्थात जो भी धोखा मुझे दिया गया है, जो भी धूर्तता मेरे साथ की गई है, प्रवंचना अर्थात धोखा लिख सकते हैं, जो भी धोखे मैंने खाए हैं, जो भी भूले मुझसे हुई है औरों को दिखलाऊं मैं। तो तब तुम कहते हो कि मैं अपनी भूलों को दूसरों को दिखाऊं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने, हंसकर होने वाली उन बातों की। मिला कहां यह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुंह सिखिया कर भाग गया। आलिंगन अर्थात गले लगना या बाहों में भरना, मुंह सिखिया, मुंह सिखिया कर यानी कि मुस्कुराकर, हल्के से मुस्कुराकर, मुस्कुराकर। जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों, अरुण कपोलों अर्थात, अरुण कपोल क्या हमने बताया यहां पर अभी अभी जब हमने भावार्थ इसका समझा, अरुण कपोल अर्थात लाल गाल, लाल गाल,
अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कि अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा, अनुरागिनी अर्थात प्रेम भरी, अनुरागिनी का अर्थ होता है प्रेम भरी और उषा का अर्थ होता है भोर या प्रातः या सुबह। प्रेम भरी भोर या प्रेम भरी सुबह अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में उसकी स्मृति पथे अर्थात स्मृति रूपी जो संबल है, जो एक मुझे सहारा मिलता है, स्मृति पथे अर्थात स्मृति रूपी संबल, और साधारण भाषा में कहें तो यादों का सहारा, जो उसकी यादों का सहारा मेरे साथ है, स्मृति पथेय, यादों का सहारा थके पथिक की पंथा की, जो थका हुआ पथिक है उसकी पंथा की, पंथा अर्थात राह या रास्ता, राह या रास्ता। सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, सीवन की उधेड़, तो सीवन पता है सिलना, उधेड़ पता है उधेड़ना, क्यों मेरी कंथा की, कंथा अर्थात अंतर और गुदड़ी, साधारण भाषा में हम कहें तो गुदड़ी जो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती है, बहुत सारे घर में जो छोटे छोटे कंबल होते हैं उनको फोल्ड करके, उनको सिल करके, उनको एक के ऊपर एक डाल करके उनको सिला जाता है और छोटे बच्चे के लिए बनाई जाती है, उसमें छोटे बच्चों को लिटाया जाता है, तो अंतर मन या गुदड़ी। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कह दूं, यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या करोगे तुम मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय नहीं है सोई थकी है मेरी मौन व्यथा। व्यथा अर्थात जो मेरा दुख है, व्यथा अर्थात जो मेरे अंदर की जो बातें हैं, इसको यहाँ पर व्यथा कहा गया है, यानी कि मेरे व्यथा को, मेरे दुख को कुरेदने का प्रयास मत करो, मेरे दुख को उखेलने का प्रयास मत करो। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो शब्दार्थ है ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कठिन शब्द हमारे आए, हमने सबके अर्थ लिख लिए हैं, इनको आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और साथ ही बहुत सारे जो ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ आपको आपकी नोटबुक में, आपकी बुक में भी दिए गए हैं, आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे यहाँ भी आपको बहुत सारे शब्द अर्थ दिए गए हैं। अभ्यास के प्रश्न हैं जिन्हें हम आगे करेंगे। देखिए इस तरह से, मधुप का अर्थ मन रूपी भवरा, अनंतहीन विस्तार, व्यंग मलिन खराब ढंग से निंदा करना, गागर रीति ऐसा मन जिसमें कोई भाव ना हो, प्रवंचना अर्थात धोखा, मुस्किया अर्थात मुस्कुराकर, अरुण कपोल लाल गाल, अनुरागिनी उषा प्रेम भरी भोर, स्मृति पथे स्मृति रूपी संबल या स्मृति यादों का सहारा, पंथा राह या रास्ता,
कंथा, अंतर मन या गुदड़ी। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, बाकी हमने बहुत सारे शब्दार्थ यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो लगभग आपको बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो चुका है। और अगर चैप्टर के भावार्थ को लिखने में अगर अभी भी कोई परेशानी आती है, अभी भी अगर कोई दिक्कत अगर आती है आपको, तो आप क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको भावार्थ को प्रॉपर तरीके से आपको लिखवा दूंगी। तो पहला प्रश्न दिया है आपकी पाठ्य पुस्तिका में, जो पहला प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? तो आपने देखा कवि ने आत्मकथा ना लिखने के, आत्मकथा ना लिखने के यहाँ पर बहुत सारे कारण बताए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि उनका जीवन जो है बहुत साधारण जीवन है, बहुत ही साधारण जीवन है, और उस साधारण जीवन में उनके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई है। कभी बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई है, कई बार उन्होंने धोखा भी खाया है, कई बार वो प्रपंचों में भी फंसे हैं, कई बार उनके कुछ उनके जीवन में सुनहरे क्षण भी है जो उनके प्रिय के साथ है, उनके प्रियतम के साथ है, जिनके सहारे वो अपने जीवन की इस यात्रा को पूरी कर रहे हैं। और उन्होंने उनकी यादों को अपने जीवन में संजो कर रखा हुआ है, जो अब आगे का जीवन है वो उन्हीं के सहारे उसको काट रहे हैं। तो वो अपने उन क्षणों को, अपने उन पीड़ादायक क्षणों को, उस धोखे के क्षणों को, या उन सुनहरी यादों को वो सबके सामने नहीं प्रकट करना चाहते, वो सबके सामने नहीं प्रकट करना चाहते, क्योंकि कभी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सी पीड़ादायक घटनाएं हुई है। और अपनी सरलता के कारण, यानी कि अपने सीधेपन के कारण, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बार धोखा भी खाया है। और कवि के पास मात्र कुछ क्षणों की स्मृतियां ही शेष है अपने प्रियतम के साथ, और उन्हीं के सहारे वो अपने जीवन की यात्रा पूरी कर रहे हैं। उन यादों को अपने अंतर मन से संजोकर वो रखते हैं, वो किसी के सामने उन्हें प्रकट नहीं करना चाहते। और साथ ही वो कहते हैं कि उनकी आत्मकथा में ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो महान हो, इतनी बड़ी महत्वपूर्ण भी नहीं है उनकी आत्मकथा कि जिसको लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे और खुश होंगे, इसीलिए वो आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं, आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। और एक और बात जो उन्होंने शुरुआत में यहाँ पर लिखी थी, एक और बात जो शुरुआत की पंक्तियों में कवि ने लिखी है, आपने देखा भी होगा पहली जो हमारी पंक्तियां हैं कवि की, जो इस कविता की, उसमें आपने देखा है कि क्या यहाँ पर हरिवंश राय जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं इस आत्मकथा के बारे में। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं आत्मकथा के बारे में कि ये जो संसार है, क्या कह रहे हैं, मधुप गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो आज घनी, कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास कर लो इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। यानी कि यहाँ पर इस संसार में रोज नए इतिहास लिखे जाते हैं जीवन के, इस गंभीर आसमान के, नीले आसमान के नीचे रोज जीवन के इतिहास लिखे जाते हैं, और लोग पहले उन्हें पढ़ते हैं और फिर उनका मजाक बनाते हैं, उनकी निंदा करते हैं। तो ऐसे में उनको, उन्हें लगता है कि मेरे पास ऐसा क्या है कि जिससे लोग खुश हो जाएंगे, मेरे आत्मकथा में तो ऐसा कुछ ही नहीं है जिसे महान सेवक लोग मानकर लोग आनंदित होंगे, ऐसा कुछ मेरी आत्मकथा में नहीं है। इन्हीं कारणों से लेखक बचना चाहते हैं अपनी आत्मकथा लिखने से। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न है, नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ, आपको दिखाई भी दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, तो साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे सभी बच्चे।
नोट डाउन भी करेंगे। काम किसी का नहीं छूटना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है कि पढ़ लिया बस छोड़ दिया, आपको नोट डाउन करना है, कॉपी में लिखना है, प्रॉपर कॉपी चेक करवानी है। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखिए, कवि ने यहाँ पर कहा है कि आत्मकथा सुनाने का यह उचित समय नहीं है। जो अंतिम पंक्ति थी उसमें उन्होंने कहा था कि अभी मेरी जो आत्मकथा है वो कैसी है, वो अभी सोई है, मौन है मेरी व्यथा। तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि देखिए, कवि अभी अपने सुखों के सिवाय कोई और उपलब्धि नहीं उनके पास है। कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा हुआ रहा है। वो अपने जीवन में जो बाहरी पीड़ा उन्हें मिली है उसे उन्होंने चुपचाप अकेले सहा है। जीवन के इस पड़ाव में उनके जीवन के सभी दुख तथा व्यथाएं थक कर सोई हुई है। देखिए, कवि ने अभी समय नहीं है अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि कवि का जो जीवन था उस जीवन में बहुत सारे दुख थे, बहुत सारे अभाव थे, बहुत सारी बाहरी पीड़ाएं भी उन्हें मिली जिनको वो सभी लोगों के सामने किसी से उन्होंने नहीं कहा, चुपचाप उन्होंने अकेले सहा। और अब जाकर एक जीवन का ऐसे पड़ाव पर वो पहुंच चुके हैं जीवन के, जहां पर उनकी जो व्यथाएं हैं, उनके दुख हैं, वो शांत है, यानी कि जो उनके दुख है, उनकी जो व्यथाएं हैं, अब भी वो सोई हुई है। अब वो एक टाइम उनका निकल गया है। देखिए क्या होता है कि एक दौर होता है जब इंसान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है हर तरीके से। जब वो युवा अवस्था में होता है तो उसको चारों तरफ सोचना पड़ता है, अपने करियर के बारे में सोचना पड़ता है, अपने घर के बारे में सोचना पड़ता है, अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ता है, अपनी जो पर्सनल लाइफ है, अपना वैवाहिक जीवन है, अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, सब कुछ उसको सहना पड़ता है। और इसी बीच, इतनी सारी चीजों के बीच उसको समाज के प्रति अपने दायित्व, देश के प्रति अपने दायित्व, परिवार के प्रति अपने दायित्व, इन सभी का निर्वाह करना पड़ता है। ऐसे में कहीं पर उसको दुख भी झेलने पड़ते हैं, कहीं पर उसको निंदा भी मिलती है, कहीं पर उसको अच्छाई भी मिलती है, कहीं पर उसको दुख भी मिलता है। तो इन सभी चीजों का जब टाइम निकल जाता है, जब हम अपनी लगभग थोड़ा बहुत जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं, तो उसके बाद जब एक समय निकल जाता है, ये समय जब गुजर जाता है, तो उस समय पर अगर पीछे कुछ बहुत अच्छा हुआ है तो उसके लिए खुशी होती है, और अगर कुछ बुरा जीवन में हुआ है, सुख और दुख तो दोनों आते जाते रहते हैं, अच्छा बुरा लगा रहता है, लेकिन बाद में हम चीजों को सोचना नहीं चाहते। हम नहीं सोचते कि जो हम कहते हैं कि जो बीत गया वो अच्छा था, जो बीत गया वो अच्छा था, उसके बारे में बहुत सारा सोचना नहीं है। तो सेम कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके जीवन के जो दुख थे, उनकी जो व्यथाएं थी, वो अभी सोई हुई है। बड़ी मुश्किल से वो अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति पाकर वो आगे बढ़े हैं, और आत्मकथा लिखने के लिए अब कवि को अपनी उन सभी पुरानी व्यथाओं को जगाना होगा, क्योंकि उन्हें अपने अतीत में वापस जाना होगा। आत्मकथा लिखने के लिए उन सारी बातों को याद करना होगा, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, उन सारी बातों को याद करना होगा। और साथ ही वो कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है, नोट डाउन भी करते रहेंगे, साथ साथ स्क्रीन पर भी आपके दिखाई दे रहा है प्रश्न का उत्तर, और मैं प्रश्न को एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको याद नहीं करना होता। देखिए, हर चीज आप रट नहीं सकते, अगर आप समझ जाते हैं, अगर आप चीजों को समझ जाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि किस बारे में बात हो रही है, तो कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसका उत्तर लिख पाएंगे और सही उत्तर लिख पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि प्रश्न उत्तर आपने लिख लिया और उसको रट लिया और एग्जाम में जाकर आप भूल गए कि क्या लिखना था, या फिर एग्जाम में आपने सही उत्तर लिख ही नहीं पाए, तो ऐसा नहीं करना है, आपने समझना भी है। तो यहाँ पर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी उसके जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि उन्हें नहीं मिली है जिसे वे लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सकें,
और इन्हीं कारणों से कवि अपनी आत्मकथा को अभी नहीं लिखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अभी क्या होगा, अभी लोग क्या करेंगे मेरी आत्मकथा को पढ़कर, कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है इसमें, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि अभी समय नहीं है। अगला प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आश्रय है, यानी कि यादों को, स्मृति अर्थात जो यादें हैं, पाथेय अर्थात अपने रास्ते का सहारा, अपने जीवन मार्ग के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने का क्या आश्रय है, क्या मतलब है। देखिए, स्मृति को पाथेय बनाने से जीवन कवि का आश्रय है कि वो जीवन मार्ग के प्रेरणा से है, यानी कि जीवन मार्ग में उन्हें प्रेरित करते रहे, आगे बढ़ते रहो। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था, जो अपने प्रिय के साथ उन्होंने एक सुख का स्वप्न देखा था, वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए कवि अपनी जीवन यात्रा से अपने आप को थका हुआ मानते हैं। और यहाँ पर जो पाथेय यानी कि जो यादें हैं, जो अच्छी यादें उन्होंने अपने प्रिय के साथ बिताई थी, वो अच्छी यादें ही आज उनकी यात्रा में उनकी सहायक बनी हुई है, उनकी प्रेरणा स्रोत बनी हुई है, जो उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और ठीक उसी प्रकार जो उन्होंने सपने में देखे थे सुख के, स्मृतियां भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है। तो स्मृति को पाथेय बनाने का कवि का यही आश्रय है कि उन्हें जीवन के लिए प्रेरणा मिलती रहे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुंह सिखिया कर जो भाग गया। तो भावार्थ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है आप सभी को, क्या कहना चाहते हैं कवि यहाँ पर, उसको आप स्वयं से करेंगे। ये जो दोनों यहाँ पर आपको पाठ दिए गए हैं, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि भावार्थ आपने खुद लिखना है, तो आप दोनों का भावार्थ लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, अब यहाँ पर जो पंक्तियां दी गई है उनमें से उससे कवि का आश्रय है कि उनके जो जीवन का निजी प्रेम है या जो उनके जीवन के मधुर क्षण है, जो थोड़े बहुत सुख से भरे हुए क्षण है जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए हैं, चांदनी रातों में बिताए हैं, तो वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह पवित्र है, बहुत ही सुंदर है, और यही उनके अंधकारमय जीवन में का एकमात्र सहारा है कि जिनसे वो आगे बढ़ पाते हैं। और वो अपने इन क्षणों को, अपने इन सुखमय क्षणों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। प्रश्न नंबर 6 है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताओं का उदाहरण को उदाहरण सहित लिखिए। होमवर्क है प्रश्न, स्वयं से करने का प्रयास करेंगे, जहां पर नहीं आता है, चीजें समझ में नहीं आती है, वो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारा जो चैप्टर है आत्मकथ्य, ये कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा और पाठ भी समझ में आया होगा, पाठ का भावार्थ आप लिख पाएंगे। अगर नहीं लिख पाएंगे तो आप बता सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ से हेल्प कर दी जाएगी। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, तो इनको भी आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करें। और आप मुझे यहाँ पर अपनी कॉपी चेक भी करवा सकते हैं, वरना अपने स्कूल टीचर्स से आप अपनी कॉपी चेक करवाएंगे। पाठ 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।